इसके सभी के सभी डब्बे जो है वो जनरल हैं, आप किसी भी डब्बे में एंट्री कर सकते हो। तो पीछे आप देख सकते हो ये ट्रेन हमें लेके जाएगी श्रीनगर तक बनिहाल रेलवे स्टेशन से, और अभी इसी ट्रेन के अंदर मैं जाने वाला हूँ। लेकिन अब देखो लोगों की कैसे भीड़ जमा हो रखी है अंदर घुसने के लिए, धक्का मुक्की कर रहे हैं भाई। तो थोड़ी देर में ये अंदर चले जाएंगे, उसके बाद मैं एंट्री करूँगा ट्रेन। तो स्वागत है दोस्तों आपका बनिहाल रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से मैं टिकट लेने वाला हूँ अपनी श्रीनगर तक की। श्रीनगर से हम जाएंगे डल गेट तक। तो भाई ये देखो टिकट के लिए कितनी लंबी लाइन लग रखी है यहाँ पे। और जो ट्रेन है ना ये 11:55 पे चलती है, अभी हो रहे हैं 11:40, तो 10-15 मिनट में ये ट्रेन चलने वाली है। तो हम जल्दी से टिकट ले लेते हैं लाइन में लगकर। तो भाई बनिहाल रेलवे स्टेशन पे अभी तो लगी हुई हैं लाइनें लंबी लंबी, 10 मिनट में अपनी ट्रेन है, और आई होप सो के 10 मिनट में मेरा नंबर आ जाए। सामने टाइम टेबल लिखा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता लग जाए। एक तरफ अराइवल टाइम है जब ट्रेन स्टेशन पर आती है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है डिपार्चर का टाइम जब जो ट्रेन है वो स्टेशन से जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको टाइम टेबल अच्छे से पता रहेगा। और यह सामने टिकट खिड़की, दो खिड़कियाँ बनी हुई हैं, एक लेडीज़ के लिए और दूसरी है जेंट्स के लिए। फ्रेंड्स थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली है बनिहाल के रेलवे स्टेशन पर, और ये ट्रेन लेती है अराउंड 1.5 से 2 घंटे श्रीनगर पहुंचाने में। तो अभी मैं आपको ट्रेन के अंदर बैठकर बाहर का बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाने वाला हूँ आपको, बाहर के सभी के सभी। अब देखो इस समय स्टेशन के ऊपर रश कितना लगा हुआ है, बनिहाल का रेलवे स्टेशन है ये, कुछ ऐसा रहने वाला है बनिहाल का रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम अंदर आए थे, और अभी ये वाले प्लेटफॉर्म पर जो हमारी है वो ट्रेन आने वाली है, और कुछ ऐसा व्यू है स्टेशन से, बनिहाल के स्टेशन से आप देख सकते हो। और ये सामने सीढ़ियाँ हैं दूसरी साइड पे जाने के लिए, और इस साइड से आएगी हमारी ट्रेन जो कि सीधा जाएगी श्रीनगर। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। इस ट्रेन के बारे में ऐसा बोल रहे हैं लोग यहाँ पर जो खड़े हैं कि इसमें हीटर लगा होता है, तो बाहर अगर -डिग्री टेम्परेचर भी होगा तो आपको इसके अंदर ट्रेन के अंदर ठंड नहीं लगने वाली। तो इसके सभी के सभी डब्बे जो है वो जनरल हैं, आप किसी भी डब्बे में एंट्री कर सकते हो। अब ये देखो कितना रश लग गया एकदम से ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो भाई धीरे धीरे चढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो देखो सामने भी कितना रश लगा हुआ है। तो पीछे आप देख सकते हो ये ट्रेन हमें लेके जाएगी श्रीनगर तक बनिहाल रेलवे स्टेशन से, और अभी इसी ट्रेन के अंदर मैं जाने वाला हूँ। लेकिन अब देखो लोगों की कैसे भीड़ जमा हो रखी है अंदर घुसने के लिए, धक्का मुक्की कर रहे हैं भाई। तो थोड़ी देर में ये अंदर चले जाएंगे, उसके बाद मैं एंट्री करूँगा ट्रेन में। फाइनली हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। तो ट्रेन के अंदर ही ना आपको ऐसे खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले जो लोग हैं वो मिलते रहेंगे। इनके पास अपना मटर होते हैं हरे रंग के मसालेदार मटर, और दाल होती है, और साथ में इनके पास नमकीन वगैरह होता है, और बहुत सारी आइटम्स होती हैं। तो भाई यहाँ की लोकल ट्रेन से कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है, ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, और नीचे छोटा सा गांव है कोई कश्मीर का। और ये सामने भी आप देख सकते हो घर बने हुए हैं, तो लोकल ट्रेन से कुछ ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी घर बने हुए हैं उनकी जो छतें हैं वो ऐसे त्रिकोणीय आकार की बनाई हुई हैं ताकि जब इन पर बर्फ़ जमती है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरती रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको जो बनिहाल का रेलवे स्टेशन है वहीं पर ही आपको नॉन वेज आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। स्टेशन के ऊपर ही ये बेचते हैं, बॉइल्ड एग हो गया और चिकन हो गया, और इसी के साथ तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को स्टेशन पर ही मिल जाती हैं। पानी की बोतल यहाँ पर 20 रुपीज़ की है, और मिनरल वाटर जो होता है उसकी 20 रुपीज़ की बोतल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो रेट का कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो नॉर्मल रेट्स हमारे पंजाब में होते हैं वही रेट्स यहाँ पर भी रखे हुए हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रखा वो इन्होंने रेट का। ये है यहाँ की लोकल ट्रेन, बहुत ज़्यादा है सफ़र करके, और ये रेलवे स्टेशन का बोर्ड। तो भाई ये है कश्मीर, देखो कितने अच्छे सुंदर लग रहे हैं ये घर बने हुए हैं, ये लग नहीं रहा इंडिया के घर हैं। ये छोटा सा गांव है कोई जिसके बीच में से ट्रेन गुजर रही है हमारी।
नजदीक का ही गांव है ये भाई। अगर यहाँ पर भाई मिले हमें, ये यहीं के लोकल ही हैं, रामबन से आए थे ये। तो भैया कैसा लग रहा है ट्रेन में सफ़र करके आप? ठीक है भाई, आप तो भाई बोल रहे थे कि मैंने आपका चैनल देख रखा है और आपकी वीडियोस मैं देखता रहता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाई मैं अब तक जितने भी कश्मीर के लोगों से मिला हूँ सबके सब इतनी मीठी बोली बोलते हैं और इतने अच्छे तरीके से पेश आते हैं टूरिस्ट के साथ। ये भाई मुझे मिले थे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन नाम है इनका, और काफ़ी इनके साथ अच्छा बातें करते हुए टाइम पास हो रहा है। और एक अंकल भी है साथ में, अंकल भाई कर दूँ भाई ये यही के लोकल बंदे हैं, इनके साथ बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है। तो ये इनके साथ मैं बात कर रहा था, कांगड़ी एक होती है, तो अंकल ने जो ये पोशाक पहनी हुई ना, ये फेरान, इसको एफ से बोलते हैं भाई, फेरान। इसके अंदर कांगड़ी जलती है, कांगड़ी में होते हैं कोयले, तो कोयले जलते रहते हैं, चिकनी मिट्टी की कांगड़ी होती है, तो इनको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। जितने भी कश्मीर में लोग घूमते हैं उनके पास कांगड़ी आपको अवेलेबल मिलेगी ही मिलेगी। सही है भाई? तो भाई यहाँ पर आ चुके हैं टिकट चेक कर, आप देख सकते हो और सामने टिकट चेक कर रहे हैं, जो बिना टिकट बैठा होगा उसको पेनल्टी लग जाएगी। तो फाइनली हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है श्रीनगर में, अब यहाँ से हमें जाना है डल गेट तक, तो वो भी मैं देखता हूँ बाहर जाके ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन से, यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन से जाऊँगा मैं, तो अभी बाहर जाके देखते हैं। और ये है DMU जैसी एक पैसेंजर ट्रेन जो कि चली थी अपना बनिहाल से, और ये ट्रेन सीधा जाएगी आपका बारामूला तक, और हम उतर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है बिल्कुल श्रीनगर का रेलवे स्टेशन, और भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ श्रीनगर में फाइनली। और सामने आप देख सकते हो ना, वो जो सामने आप गाड़ियाँ देख रहे हो और एक जो बस भी खड़ी है, तो वो बस हमें लेके जाएगी डल गेट तक। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। तो कुछ ऐसा रहने वाला है श्रीनगर का रेलवे स्टेशन, ये है उसका आउटसाइड व्यू। अभी अभी हम जिस ट्रेन से उतर कर आए हैं तो इसी दरवाजे से हम लोग बाहर आए हैं, जहाँ पर आपको टवेरा भी मिल जाएगी, लोकल बस भी मिल जाएगी, ऑटो भी मिल जाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर, आप देखो वो सामने बस भी खड़ी है, शेयरिंग कैब भी खड़ी हैं और ऑटो भी खड़े हैं, लेकिन शेयरिंग कैब आपको सस्ती पड़ेगी। तो मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और जगह पर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैसेंजर तरुण आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक करें।